फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 32 फंदे रखे हैं। देखिए, ये तीन फंदों का डिज़ाइन है। मैंने एक फंदा इस साइड में और एक फंदा इस साइड में, ये दो फंदा मैंने एक्स्ट्रा रखा है और बीच में मैंने तीन तीन फंदों का डिज़ाइन बनाया है। देखिए, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। इसमें मैंने ये वाले फंदे डाले हैं। देखिए, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का कोई भी फंदा डाल के या फिर कोई भी बॉर्डर बनाने के बाद आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको थोड़े से फंदे में ये डिज़ाइन डाल के बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फंदे डाल लेते हैं। देखिए, फंदे डालने के लिए हमें इस तरह से धागे को चार पर्त का करना है। देखिए इस तरह, अब यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। देखिए, ये सिंगल वाला धागा हमें इस उंगली में लेना है और ये चार पर्त का धागा हम इस तरह से ऐसे अंगूठे में लेंगे। अब हम यहाँ पे फंदे बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये एक फंदा ऐसे रहेगा। पहले से हमें सिलाई इस साइड से डालना है, ऐसे धागा लपेटेंगे और इसे हम ऐसे निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पे एक दो, अब अंगूठे को हम इस तरह से ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से सिलाई डालेंगे, धागा लपेटेंगे, इसे वापस कर लेंगे। देखिए, अब फिर से हम उसी तरह से करेंगे, यहाँ से सिलाई डालेंगे, अब अंगूठा घुमाकर यहाँ से सिलाई डालेंगे। देखिए, एक बार हमें अंगूठा इस तरह से रखना है और यहाँ से सिलाई डाल के एक फंदा बनाना है और एक बार हमें ऐसे अंगूठा घुमा के यहाँ से सिलाई डाल के इस तरह से फंदा बनाना है। देखिए इस तरह। देखिए इस तरह से। देखिए, मैंने यहाँ पे ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 फंदे मैंने यहाँ पे डाले हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। ये इसकी रॉन्ग साइड है। देखिए, पहली लाइन हमें उल्टी बनानी है। देखिए इस तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें पूरे फंदे बनाने हैं। देखिए इस तरह। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड पे। देखिए, ये इसकी राइट साइड है। देखिए, ये सिलाई हम सीधी बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमें सारे फंदे इसी तरह से बनाने हैं। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में और ये पूरी लाइन हम सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरह से ये पूरी लाइन बनाएंगे।
अब इसे पलट लेंगे इसकी राइट साइड में, देखिए सीधी तरफ ये पूरी लाइन हम सीधी बुनेंगे। देखिए इस तरह, देखिए अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ, ये पूरी लाइन हम सीधे बुनेंगे। देखिए इस तरह से, अब इसे पलट लेंगे इसकी राइट साइड में, देखिए सीधी तरफ। अब हमें यहाँ पे दूसरे कलर का धागा ज्वाइन करना है, देखिए दूसरे कलर का धागा ले लेंगे, इसे गांठ लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे ये एक फंदा और एक ये फंदा, ये दो फंदा मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अब बीच में डिजाइन के लिए देखिए ये तीन फंदा, ये तीन फंदा, ये तीन फंदा, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसमें फंदा रखा है। देखिए पहला फंदा हमें ऐसे सीधा बुन लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें इस फंदे में देखिए ऐसे दो बार धागा लपेटना है ऐसे, देखिए ऐसे दो बार धागा लपेटेंगे और ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे दो बार धागा लपेटेंगे, ऐसे सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। इसे दो बार धागा लपेटेंगे, अब देखिए ये लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे फंदे डाल सकते हैं। एक फंदा एक्स्ट्रा इस साइड में रखिए और एक फंदा एक्स्ट्रा इस साइड में रखिए और बीच में आप तीन तीन फंदे डिजाइन के लिए रखिए। अब इसे हम पलट लेंगे इसी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ। अब यहाँ पे देखिए ये एक फंदा हमें उल्टा बुनना है, जो फंदा हमने एक्स्ट्रा रखा है उसे हम इस तरह से इसे उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये जो लपेटा हुआ फंदा है इसे हम ऐसे खोल लेंगे, एक दो तीन, देखिए ये तीन फंदा हम खोल लेंगे। अब इसे हम इस सिलाई पे ऐसे वापस ले लेंगे, धागा हम पीछे करेंगे और इस तीन फंदों को हम एक साथ सीधा बुनेंगे। देखिए ऐसे बीच में से सिलाई डालेंगे इस तरह से, तीनों फंदों के बीच में से सिलाई डालेंगे, इसे हम सीधा बुनेंगे ऐसे। अब धागा आगे करेंगे और देखिए इसी तीन फंदे में हमें यहाँ से ऐसे सिलाई डालना है, इस तरह से ऐसे डालेंगे, देखिए ऐसे, और इस तीन फंदे को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे ये दो फंदा हो गया है, ये तीन फंदा है, तो हमें यहाँ पे भी तीन फंदा बुनना है। अब धागा हम पीछे करेंगे और इसी तीन फंदे में से हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। देखिए यहाँ पे
ये तीन फंदा हो गया है, यहाँ पे भी देखिए ये तीन फंदा है। अब इसे हम ऐसे उतार देंगे। अब इसी तरह से हमें इन तीन फंदों में करना है, एक दो तीन। इसे खोल लेंगे, इस सिलाई पे हम इसे ऐसे ले लेंगे और इस साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे। देखिए ऐसे तीनों फंदों के बीच में एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके इसी तीन फंदे में एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, तीन फंदों में ऐसे एक फंदा सीधा। देखिए ये तीन फंदा, अब इसे ऐसे उतार देंगे। अब इस तीन फंदे में भी हम उसी तरह से बनाएंगे, एक दो तीन। इसे इस सिलाई पे ऐसे ले लेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। इसे उतार देंगे, धागा आगे, और ये एक फंदा लास्ट का एक्स्ट्रा फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से बनेगा। अब इसे हम पलट लेंगे, इसकी राइट साइड में देखिए सीधी तरह। अब यहाँ पे देखिए हमें दो लाइन इस कलर से बनानी थी ऑरेंज वाले से, उसके बाद हमें ब्लैक कलर के धागे से यहाँ पे बुनना है। दो लाइन हमने बना ली है, अब यहाँ पे धागा चेंज हो जाएगा। देखिए ये ब्लैक वाला, हमें इस धागे को भी कट नहीं करना है, हमें इसे ऐसे रहने देना है। देखिए ब्लैक धागा ऊपर लाएंगे और इस तरह से हम फंदों को सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से हमें चार लाइनें सीधी बुननी हैं ब्लैक कलर के धागे से। देखिए इस तरह। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। देखिए ये लाइन भी हमें सीधी बुननी है। देखिए एक लाइन हमने ब्लैक कलर के धागे से बना ली है और ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन भी हमें सीधी बुननी है। देखिए इस तरह से। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। अब हम इसकी तीसरी लाइन बनाएंगे। देखिए तीसरी लाइन भी हमें सीधी बुननी है, इस तरह से बुनेंगे। देखिए इस तरह से इसकी हम पूरी लाइन बनाएंगे। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरह, और ये पूरी लाइन भी हम सीधी बुनेंगे। ये इसकी चौथी लाइन है। देखिए इस तरह से। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में, ये सीधी तरफ। चार लाइनें हमने ब्लैक कलर के धागे से बना ली है, अब हमें दो लाइन, ये डिज़ाइन वाली दो लाइन हमें यहाँ पे रिपीट करनी है ऑरेंज कलर के धागे से। देखिए ये पहला फंदा, ये देखिए धागा ऊपर लाएंगे और ये पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे,
और बाकी सारे फंदों में हम दो बार धागा लपेट के ऐसे सीधा बुनेंगे। दो बार धागा लपेटेंगे, बहुत ही आसान है ये डिज़ाइन। देखिए इस तरह से ये जल्दी जल्दी बन जाता है। और ये लास्ट का ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, देखिए इस तरह। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में, देखिए उल्टी तरफ। अब हम डिज़ाइन की दूसरी लाइन यहाँ पे रिपीट करेंगे, देखिए ऑरेंज कलर के धागे से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, ये तीन फंदा हम खोल लेंगे, सिलाई पे लेंगे, देखिए ऐसे बीच में से डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। यहाँ पे तीन फंदा हो गया, अब इसे गिरा देंगे, तीन फंदा खोलेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, उतार देंगे, एक दो तीन फंदा खोलेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। देखिए तीन फंदा हो गया। अब यहाँ पे ये लास्ट का ये एक फंदा हमें उल्टा बुनना है, धागा आगे और ये एक फंदा उल्टा। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में, देखिए सीधी तरफ। ऑरेंज कलर के धागे से हमने दो लाइन बना ली है, अब हमें चार लाइन ब्लैक कलर के धागे से यहाँ पे बनानी है। ऐसे धागा ऊपर लाएंगे, देखिए इसी तरह से हम ये पूरी लाइन सीधी बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने यहाँ पे ये चार लाइनें बनाई हैं ब्लैक कलर के धागे से, इसी चार लाइन को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। देखिए इस तरह से दो लाइन हमें ऑरेंज कलर के धागे से बनाना है और चार लाइन हमें ये ब्लैक कलर के धागे से बनाना है, फिर दो लाइन हम ये ऑरेंज कलर के धागे से बनाएंगे और फिर चार लाइन हम ब्लैक कलर के धागे से बनाएंगे। इसी तरह से हमें इस डिज़ाइन को रिपीट करते हुए जाना है। देखिए जिस तरह से मैंने इसमें बनाया है, देखिए इस तरह। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।